नमस्कार, जोहार, प्रणाम, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आप सभी को छठ पर्व की संध्याकालीन अर्ध की ढेर सारी शुभकामनाएं। चलिए दिन की शुरुआत करते हैं हमारे YouTube चैनल में खबरों के साथ। बने रहें और जो भी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जो पुराने हैं वो कमेंट करके अपना सुझाव दें। वीडियो देखने के बाद कमेंट जरूर करें। छठ पूजा को लेकर सिमडेगा में तैयारी जोरों से चल रही है। सिमडेगा के शंख नदी गर्जा छठ घाट में पूरी तरह से तैयारी पूर्ण कर ली गई है और आज संध्याकालीन अर्ध होगी। वहीं SP सिमडेगा डॉक्टर शमस्तब्रज ने समिति के सदस्यों के साथ शंख नदी छठ घाट पहुंचकर वहां की विधि व्यवस्था की जानकारी ली। साथ ही उन्होंने कहा कि सभी लोगों को सभी प्रकार की सुविधा मिले इसके लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। साथ ही उन्होंने कहा कि जिला में छठ पूजा को लेकर विधि व्यवस्था दुरुस्त कर ली गई है। सिमडेगा विधायक भूषण बाड़ा ने भी छठ घाट का निरीक्षण करते हुए कहा कि मेरी ओर से यहां पर तोरण द्वार और पहुंच पथ तक PCC बनाने के लिए सरकार से मांग रखूंगा और जल्द से जल्द यहां पर इन सुविधाओं को बहाल करेंगे ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार से कभी भी किसी भी में दिक्कत ना हो। झारखंड प्रदेश मजदूर यूनियन के नेता राजेश कुमार सिंह ने पिथरा पंचायत के नवाटोली गांव पहुंचकर ग्रामीणों से बैठक किया। ग्रामीणों ने बताया कि लंबे समय से यहां पर सड़क नहीं बनी है जिसके कारण बारिश के दिनों में बहुत दिक्कत होता है, जिसके बाद मजदूर नेता ने कहा आपकी समस्या को जल्द से जल्द दूर किया जाएगा। इसके अलावा कई अन्य समस्या भी रखी गई। सिमडेगा भाजपा जिला अध्यक्ष लक्ष्मण बड़ाई के नेतृत्व में महारानी लक्ष्मीबाई के जन्म जयंती के मौके पर पूर्व विधायक बिमला प्रधान की मौजूदगी में भाजपा कार्यकर्ताओं ने माल्यार्पण किया। इस दौरान पूर्व विधायक ने कहा कि हमें महारानी लक्ष्मीबाई के जीवनी से प्रेरणा लेने की आवश्यकता है ताकि भविष्य में हमें उज्जवल भविष्य के साथ लोगों का सेवा कर सकते हैं। सिमडेगा में छठ पूजा को लेकर तैयारी जोरों से है। वहीं दुकानें सजी हुई है जहाँ पर लोग अपने सुविधा अनुसार खरीदारी करते हुए देखे गए। छठ पूजा को लेकर सिमडेगा के महावीर चौक में एक ही जगह पर सभी प्रकार की पूजन सामग्री उपलब्ध है जहां से लोग अपने सुविधा अनुसार खरीद रहे हैं। वहीं इसके अलावा गन्ना की भी देखी गई भारी बिक्री। वहां पर लोग 20 रुपये से 30 रुपये और 40 रुपये तक की गन्ना खरीद रहे हैं। छठ पूजा में गन्ना का भी विशेष महत्व है, जो अर्घ देने के लिए काम आता है। लोगों ने बताया कि यहाँ पर भारी मात्रा में इस बार गन्ना उपलब्ध करा दिया गया है। इसके अलावा प्रिंस चौक नवज्योति नवयुवक संघ छठ पूजा समिति की ओर से सैकड़ों कुंटल की प्रसाद बनाया जा रहा है। इसके अलावा खरना की रात में 250 किलो दूध का खीर बनाकर भक्तों के बीच में वितरण किया गया। कमेटी के अध्यक्ष राजकुमार उर्फ जया ठाकुर ने बताया कि हमें व्रतियों को सभी प्रकार की सुविधा और भक्तों को सभी प्रकार की सेवा करने का कार्य मिला है, इसलिए हम बड़े ही विधि विधान से कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि यहाँ पर भगवान सूर्य की 7 घोड़ों से सुसज्जित प्रतिमा का स्थापित किया गया है, जहां पर विधिवत रूप से पूजन पाठ किया गया, जहां पर पंडित श्याम सुंदर मिश्रा के अगुवाई में विधिवत रूप से पूजन किया गया। बताया गया कि आज संध्याकालीन में संध्या का अर्घ दिया जाएगा, जहां 28 जोड़ा सूप व्यवस्था की गई है। इसके अलावा खरना पर्व पर सिमडेगा शहरी क्षेत्र के लेकर ग्रामीण तक कई जगहों पर माताओं ने छठ व्रत का खरना प्रसाद का भोग लगाया, जिसके बाद घरों में खीर प्रसाद का वितरण किया गया। आज विधिवत रूप से संध्या अर्घ दिया जाएगा। वहीं सिमडेगा के सलडेगा वार्ड पार्षद सुनीता देवी छठ पूजा की है, जिसे प्रसाद पाने के लिए सिमडेगा की पूर्व विधायक बिमला प्रधान पहुंची और वहां पर आशीर्वाद लेते हुए जिला की सुख समृद्धि की कामना किया। मौके पर काफी संख्या में महिलाएं भी उपस्थित रही। साथ ही बिमला प्रधान ने बताया कि वह छठ घाट पर भी जाकर अर्घ देंगी। सिमडेगा के अनुमंडल पदाधिकारी महेंद्र कुमार छठ घाट पहुंचकर वहां की विधि व्यवस्था की जानकारी ली। छठ घाट के सदस्य प्रदीप केसरी ने बताया कि संस्थान और जिला प्रशासन के सहयोग से यहां पर सभी प्रकार की सुविधा बहाल कराई जा रही है। उपायुक्त सिमडेगा सुशांत गौरव के निर्देश अनुसार अनुमंडल पदाधिकारी महेंद्र कुमार, कार्यपालक अभियंता विशेश्वर मरंडी के द्वारा सिमडेगा के अधूरे बने हुए पावर सब स्टेशन पहुंचकर निरीक्षण किया, जिस पर उन्होंने टूटीकेल तथा पाकडाण स्थित पावर सब स्टेशन का निरीक्षण किया, जहां पर कार्य में शिथिलता देखकर संवेदक को फटकार लगाई और साथ ही कहा कार्य में तेजी लाते हुए जल्द से जल्द कार्य करें। उपायुक्त श्री सुशांत गौरव ने अपने कार्यालय में गुरुवार को जनता दरबार लगाकर
लोगों की समस्याओं को सुना। इस पर उपायुक्त के समक्ष बिजली, पानी, सड़क, जमीन विवाद से संबंधित कई प्रकार के मामले आए, जिसे उपायुक्त ने संबंधित पदाधिकारी को प्रेषित करते हुए जांच प्रतिवेदन और कार्यों की निष्पादन से संबंधित प्रतिवेदन समर्पित करने का निर्देश दिया है। उपायुक्त सिमडेगा ने सड़क सुरक्षा से संबंधित विभाग के साथ समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि दुर्घटना संभावित क्षेत्रों में ब्लैक स्पॉट को चिन्हित करते हुए वहां पर दिशा सूचक और सड़क सुरक्षा से संबंधित स्लोगन लगवाएं, जिससे कि सुरक्षा दिया जा सके। साथ ही उन्होंने कहा सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करते हुए सड़क किनारे बाजार नहीं लगवाने का भी निर्देश दिया है। विश्व शौचालय दिवस के मौके पर नेहरू युवा केंद्र सिमडेगा के द्वारा जोगबहार में पहुंचकर विश्व शौचालय दिवस मनाया। इस दौरान उन्होंने कहा कि हमें हमेशा घर के अंदर बने शौचालय में ही शौच करना चाहिए, जिससे कि क्षेत्र का वातावरण साफ रहे। उन्होंने कहा खुले में शौच ना करें, इसके लिए सभी को प्रेरित करें ताकि माहौल साफ सुथरा रह सके। सिमडेगा के विधायक भूषण बाड़ा, कांग्रेस जिला अध्यक्ष अनूप केसरी, वरीय उपाध्यक्ष डीडी सिंह एवं कई वरीय कांग्रेस के पदाधिकारियों ने केरसई स्थित इंदिरा चौक पहुँच के इंदिरा जी की जन्म जयंती के मौके पर उनके प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। साथ ही कहा यह आयरन लेडी के रूप में जाना जाता था, जो कि भारत को एक सूत्र में बांधने का काम किया था। सिमडेगा के टेटेटांगर प्रखंड कार्यालय में पहुंचकर प्रखंड विकास पदाधिकारी ने स्वच्छ भारत मिशन के तहत समीक्षा किया। इस दौरान उन्होंने बताया कि उत्कृष्ट कार्य करने वाले मुखिया एवं रोजगार सेवकों को सम्मानित किया गया। साथ ही बताया गया कि कार्यों में जो भी अभी कमी है उसे भी पूरा करें, ताकि अधिक से अधिक लोगों को शौचालय का लाभ मिल सके और इसके लिए हम भी कतारबद्ध खड़े हुए हैं। सिमडेगा के कांग्रेसी नेता दिलीप तिर्की ने शिकायत किया था कि बिजली के SDO के द्वारा ट्रांसफार्मर को अवैध रूप से व्यापारियों को बेचा जा रहा है, जिसकी शिकायत के बाद SDO ने जांच किया तो पाया कि पंडरीपानी में उनके निर्देश अनुसार 11,000 के तार को खोलते हुए पाया गया, जिसके बाद उन्होंने फटकार लगाई और साथ ही कहा संबंधित व्यक्तियों पर जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। भारतीय जनता पार्टी केरसई मंडल की ओर से इंदिरा जी के जन्म जयंती के मौके पर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री के जन्म जयंती पर हम नमन करते हैं, और साथ ही उन्होंने कहा कि सभी कार्यकर्ता उनके जन्म जयंती पर उनसे सीख ले सकते हैं। सिमडेगा जिला के बोलबा सांसद प्रतिनिधि सुरजन बड़ाइक छठ घाट पहुंचकर सभी प्रकार की विधि व्यवस्था की जानकारी ली। इसके अलावा सिमडेगा सांसद प्रतिनिधि सुमंत बीसी ने भी बिरू घाट में पहुंचकर साफ सफाई कराते हुए JCB लगाकर विधि व्यवस्था की जानकारी ली। इसी के साथ धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। उम्मीद करते हैं छोटी बड़ी जो भी अपडेट हमारे द्वारा मिली आपको पसंद आए। बने रहे हमारे चैनल में।